नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1951 में हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई थी। सालार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय भारत के हैदराबाद नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हुई थी। सालारगंज संग्रहालय की 38 गैलरियों में 43,000 से ज्यादा कलाकृतियां, 9,000 पंडुलिपियां और 47,000 मुद्रित पुस्तकें हैं। इस संग्रहालय का एक मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की ब्रिटिश संगीत में घड़ी है, जिसे इंग्लैंड से लाया गया था। आज ही के दिन विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक एवं हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। आज ही के दिन 1937 में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज हवा सिंह का जन्म हुआ था। हवा सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। हवा सिंह ने वर्षों तक मुक्केबाजी के खेल को नई दिशा दी तथा देश का नाम रोशन किया। पहले बॉक्सर के रूप में देश की सेवा की और अंत तक खेल से जुड़े रहे। उन्हें 1966 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 1968 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 1999 में हवा सिंह के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार घोषित किया गया। आज ही के दिन 1971 में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का निधन हुआ था। खेत्रपाल ने अपना सैन्य जीवन 13 जून 1971 को शुरू किया था और 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेत्रपाल को भारतीय सेना के 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। संघर्ष की अवधि के दौरान 47वीं ब्रिगेड संघर्ष सेक्टर में ही तैनात थी। 6 माह के अल्प सैन्य जीवन में ही इन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के अद्वितीय बलिदान व समर्पण के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 1972 को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 16 दिसंबर 1971 से प्रभावी माना गया। आज ही के दिन 16 दिसंबर सन 2002 में प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल शकीला बानो का निधन हुआ था। शकीला बानो प्रसिद्ध भारतीय कव्वाल थी। भोपाल की पहचान शकीला बानो को पहली महिला कव्वाल होने का दर्जा प्राप्त था। काफी लंबे संघर्ष के बाद उन्हें फिल्म और स्टेज पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला था। शकीला बानो की प्रसिद्धि भारत के बाहरी देशों में भी थी। उन्होंने पूर्वी अफ्रीका, इंग्लैंड और कुवैत आदि देशों में अपने कार्यक्रम पेश किए हैं। शकीला बानो की मृत्यु 16 दिसंबर सन 2002 में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 16 दिसंबर दिन सोमवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है मन का सुख। मेष, मन के सुख के लिए भाग्य 44%। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पठन पाठन से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। वृष, मन के सुख के लिए भाग्य 75%। रोग की वजह से अनावश्यक खर्चा होगा। आपका समय उत्तम चल रहा है। कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी। वाणी व आचरण पर संयम बढ़ते हैं। झगड़े के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 41%। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग सफेद व नारंगी तथा निषेध रंग हरा व काही। कर्क, मन के सुख के लिए भाग्य 83%। बेरोजगारों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। कठिन परिश्रम से सोच में सकारात्मकता आएगी। सुखद समय चल रहा है। इच्छाएं पूरी होंगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते, हानि के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व पीला। सिंह, मन के सुख के लिए भाग्य 52%। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग हैं। मनोरंजन और भोग विलासी प्रवृत्तियों में खर्चा होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय उत्तम है। संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी व सफेद तथा निषेध रंग जामनी व सलेटी।
कन्या मन के सुख के लिए भाग्य 53%, आय व्यय की तरह उपलब्धियों का संतुलन बना रहेगा, मनोवांछित सफलता मिलेगी, खूब मेहनत करें अच्छा फल प्राप्त होगा, कारोबार में अपेक्षा अनुरूप सफलता प्राप्ति के योग हैं, शुभ रंग धानी नारंगी तथा निषेध रंग बसंती व जामनी। तुला मन के सुख के लिए भाग्य 76%, आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं, कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम ध्यान में रखें, करियर के लिए समय अनुकूल चल रहा है, कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें, समस्या उत्पन्न होने के योग हैं, शुभ रंग सभी प्रकार का सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व स्लेटी। वृश्चिक मन के सुख के लिए भाग्य 50%, नौकरी व व्यवसाय की दृष्टि से समय अनुकूल है, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, घर बार सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा, शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते हानि के योग हैं, शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग काला व जामुनी। धनु मन के सुख के लिए भाग्य 77%, आपके करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरूरत है तथा फिजूल खर्चे पर पाबंदी लगा सकते हैं, नौकरी पेशा वर्ग को सफलता की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं बनने के योग हैं, शुभ रंग पीला बसंती और मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा दानी का ही। मकर मन के सुख के लिए भाग्य 53%, मन कुछ खिन रह सकता है परंतु परेशान न हो, परिणाम प्राप्ति पर मन हर्षित होगा, भविष्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, समय आपके अनुकूल है, आपके कार्य एवं योगदान को मान्यता मिलेगी, कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्ति के योग हैं, शुभ रंग स्लेटी सफेद तथा निषेध रंग गुलाबी व लाल। मन के सुख के लिए भाग्य 54%, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, आपको आपकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है, किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचें, आपकी छवि खराब हो सकती है, व्यर्थ के तनाव से मुक्ति के योग हैं, शुभ रंग से लेटी निषेध रंग का ही। मीन मन के सुख के लिए भाग्य 76%, कार्य में प्रदर्शन बेहतर रहेगा, रोजगार में वृद्धि हो सकती है, अनुकूल एवं फलप्रद रहने के योग हैं, व्यर्थ के तनाव से घिरे रहने के योग हैं, शुभ रंग पीला नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग नीला काला व हरा। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 7:08 से प्रातः 8:53 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।